इसके बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है तस्वीरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं, हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं और गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अलग जेस्चर यहां पर देखने को मिला। नरेंद्र मोदी की हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में दरअसल प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना और इसके लिए पापुआ न्यू गिनी वो पहुंचे हैं। उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है प्रधानमंत्री। तो सभी के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं आगे, उनका भी शुरुआत होना है। लेकिन इस सब के बीच वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, गर्मजोशी के साथ मुलाकात वहां पर हुई। एक तस्वीर हमने वो भी देखी, झुककर उनको प्रणाम करते हुए भी राष्ट्राध्यक्ष तस्वीरों में दिख रहे थे। आपने अगर देखा हो पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। FIPIC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना है और इससे पहले जो तस्वीरें भी आई अलग अलग जगहों से, चाहे वो क्यों ना बाइडेन से मुलाकात हो जिसमें बाइडेन उनके ऑटोग्राफ की बात कर रहे हैं कि उनका क्रेज इस कदर है अमेरिका में कि वहां लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और इस लोकप्रियता को देखकर वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। फिलहाल जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके भी तय कार्यक्रम रहने वाले, 25 को वापस आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले FIPIC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और इस वक्त वो वहां पर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत उनका हो रहा है। लोगों से वो मुलाकात करते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें उनके पहुंचने की ही है। और यहां महत्वपूर्ण ये यात्रा, उनके स्वागत के लिए लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। किन मायनों में ये भी कहा जा रहा है कि पापुआ न्यू गिनी की सरकार जो है वो अपनी परंपरा को यहां पर देखिए तोड़ते हुए प्रधानमंत्री का यहां पर वेलकम हुआ है, क्योंकि इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की अहमियत है उसको देखते हुए, उसको परखते हुए वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का फैसला किया और ये तस्वीरें हम आपको उसी बीच उसी वक्त की दिखा रहे हैं। FIPIC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। वहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस बीच प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे और नए गवर्नर से भी वो बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए इस बैठक में सभी 14 द्वीप देशों के प्रमुख जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उस वक्त की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। FIPIC को 2014 में आपको बता दें मोदी की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन देशों की ये तीसरी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक एक तरीके से कही होने वाली है। 25 मई को भारत लौटने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और यहाँ वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। तो उनके आगे का भी ये कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो हैं ये आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद आप किसी का इस तरह भव्य स्वागत नहीं करते, उन परंपराओं को तोड़ते हुए यहां पर ये फैसला लिया गया कि गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और इस वक्त वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।